सब्सक्राइब कीजिए यूथ ग्लोबल नेटवर्क को और हमारा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल यूथ ग्लोबल नेटवर्क। दोस्तों, आज हम मोतिहारी जिला के शंकरसरिया गांव में आए हैं, जहां पर शिक्षा और चिकित्सा दोनों को एक साथ लेकर डॉक्टर साहब और विजय इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल के टीचर और प्रिंसिपल सर आए हुए हैं। तो गांव में शिक्षा और चिकित्सा दोनों को लेकर आया गया है, तो हम डॉक्टर साहब से बात करेंगे और जानेंगे कि दोनों को एक साथ लेकर चलने का क्या मकसद है। और वो लोग जो है मोतिहारी से आए हुए हैं, तो इस गांव में शिक्षा और चिकित्सा को किस तरह से, किस नज़रिए से लोग देने के लिए और किस तरह से जो है शिक्षा के लिए लोग मरीज लोग आए और इलाज अपना करवाए और सर से संतुष्ट हुए, और वीके इंटरनेशनल पब्लिक के हमारे प्रिंसिपल सर भी यहाँ आए हुए हैं, उनसे भी हम बात करेंगे और जानेंगे उनके स्कूल के बारे में। तो आइए हम बात करते हैं, यहाँ पे जो फ्री ऑफ कॉस्ट का शिविर लगा हुआ है शंकरसरिया में, तो हमारे साथ है डॉक्टर स्मृति कुमारी जो होम्योपैथिक से हैं। तो डॉक्टर साहब का आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैम, आप यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट में चिकित्सा देने के लिए आए हुए हैं शंकरसरिया में, तो शिक्षा और चिकित्सा दोनों को लेकर आप लोग आए हैं, तो आप शिक्षा और चिकित्सा दोनों के बारे में सबसे पहले आप अपने जो है होम्योपैथिक के बारे में बताइए कि किस तरह से मरीजों को आप बेटर से बेटर जो उनको सुविधा दे सकती हैं और आपको दवा उनको क्या बोलते हैं उनके जो बीमारी में अच्छा से काम आ सकते, तो आप बता सकते हैं। नमस्ते, मैं डॉक्टर स्मृति कुमारी, मैं होम्योपैथिक फिजिशियन हूँ। हमारे होम्योपैथ में क्या होता है, कोई भी बीमारी को जड़ से खत्म करते हैं। होम्योपैथी मिनिमम डोज और कम्प्लीट इरेडिकेशन ऑफ डिजीज की तरफ बढ़ता है। किसी भी बीमारी में अगर हम सप्रेस कर सकते हैं और क्योर कर सकते हैं, गाउट, डायबिटीज, थायराइड, इस तरह के प्रॉब्लम होगी जिसमें डॉक्टर आपको रेगुलर कंटिन्यूसली दवाई खानी होती है, तो ये रेगुलर दवाई खाना कभी क्योरेटिव ट्रीट नहीं होता। अगर क्योर का मतलब है कि वो डिजीज आपसे वो पूरी तरह से इरेडिकेट हो जाए, शरीर से वो हट जाए, तो होम्योपैथी एक ऐसा सिस्टम है जहाँ हम किसी बीमारी को दर्द से खत्म कर सकते हैं, चाहे वो गाउट हुआ। गाउट यूजुअली लोग बोलते हैं कि नहीं ठीक हो सकता है, आपको हमेशा उसके लिए मेडिसिन खानी रहती है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस ऑटोइम्यून डिजीज है, यूजुअली जो मॉडर्न साइंस में कहा जाता है ऑटोइम्यून डिजीज, थायराइड, रूमेटॉइड या फिर डायबिटीज, इस तरह की कोई बीमारी जब तक हम मेडिसिन खाएंगे तो सिर्फ पैलिएशन और सप्रेशन होते रहेगा, बट ठीक नहीं होगा। अगर हम यहाँ पे इस जगह होम्योपैथी की हेल्प लेके देखते हैं, तो वो बीमारी दर्द से खत्म हो सकती है। हम लोगों ने आज कैंप लगाया है स्किन डिजीज ओरिएंटेड, जहाँ पे स्किन डिजीज और डिनाइल रिंगवर्म को लेके हमने ज़्यादा फोकस किया है, और स्कूल के साथ कोलैबोरेट होके हमारा करने का मकसद यही था कि जब तक एक स्वस्थ शरीर नहीं होगा तो हम पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। जब पढ़ेगा इंडिया नहीं तो पढ़ेगा इंडिया नहीं, जब पढ़ेगा इंडिया तो पढ़ेगा इंडिया। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ माइंड होता है, स्वस्थ मन ही अच्छे ढंग से पढ़ाई कर सकता है। इसलिए हमने मेडिकल को एंड एजुकेशन को दोनों को कोलैबोरेट करके आगे की तरफ कैंपेन किया है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने इतनी अच्छी बात बताई मेडिकल और शिक्षा का। राजीव रंजन कुमार जी से जो हमारे साथ में है, डॉक्टर राजीव रंजन जी सर, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। सर, आप लोग मोतिहारी से चलकर लगभग 10 किलोमीटर दूर यहाँ गांव में आए हुए हैं। सर, आप लोगों ने यहाँ पे अच्छा व्यवस्था दिया लोगों का, फ्री ऑफ कॉस्ट चिकित्सा का आप लोगों ने उनका इलाज किया, अच्छा व्यवस्था दी, और शिक्षा आप साथ साथ में वीके इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल को लेकर आए हैं, तो सर दोनों को एक साथ लेकर आने का सर आपका क्या मकसद है? देखिए, इसका मेन उद्देश्य यही है कि हमारा समाज शिक्षित बने, स्वस्थ रहे, इसलिए हम लोग एक साथ मिलकर इसको बोले कि कैंप किया जाए, ताकि हमारा समाज स्वस्थ रहे और शिक्षा का भी विकास हो। बच्चों को सबसे बड़ी बात यह है कि हम चाहते हैं, जहाँ तक मेरा मानना है, यस सर, यस सर, कि अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे, अच्छा शिक्षा होगा तो हमारा समाज भी विकसित होगा, यस मेरा कहना है, यस। और दूसरी बात यह है कि स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों आदमी के लाइफ के लिए बहुत उपयोगी है। तो मेरा मानना है कि हम लोग यहाँ पे कैंपिंग करके लोगों के समस्या को जान करके उसका हम लोग ट्रीटमेंट करने का एक ये अपना इस माध्यम से हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं, ताकि चीफ एंड बेस्ट में काम हो जाए। हम लोग एक प्रकार का एक सेवा है, आप देख ही रहे हैं, आप देखें सब व्यवस्था बहुत अच्छा व्यवस्था यहाँ पे हुआ है। हम लोगों ने यहाँ पे हमारे बिहार में, अभी बिहार के हम लोग बहुत जगह स्किन से बहुत ज़्यादा ग्रसित हैं, और जहाँ तक स्किन के ट्रीटमेंट का सवाल है,
हमारे यहाँ आपको बता दें, मेडिकल वाले ज़्यादा अच्छा इसको जानेंगे, जहाँ तक मेरा ये कहना है कि मोड ऑफ ट्रीटमेंट तीन तरह का होता है, पैलिएटिव ट्रीटमेंट, क्यूरेटिव ट्रीटमेंट और सप्रेसिव ट्रीटमेंट। तो जहाँ तक होम्योपैथी का सवाल है सर जी, मैं आपको बता दूँ कि होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से पेशेंट क्योर होता है। क्योर का मतलब ये कि परमानेंट बीमारी का आपका रिमूव कर देता है। और जहाँ तक सप्रेसिव ट्रीटमेंट की बात है, अदरवाइज के बारे में मैं कोई कमेंट नहीं करूँगा क्योंकि अच्छा नहीं होगा। सप्रेस का मतलब बीमारी कुछ दिन के लिए आपका टल गया, फिर पुनः बीमारी आपका वापस आ गया, ये सप्रेसिव ट्रीटमेंट है। तो हम लोग क्या किए, क्यूरेटिव ट्रीटमेंट के लिए जगह जगह पर हम लोग ये कैंप करके लोगों को सही स्वास्थ्य का लाभ हो, सही जगह पर लोग आए और सही ट्रीटमेंट कराएं, यही मेरा मेन उद्देश्य है। और इसी उद्देश्य से हम लोग कैंप लगा रहे हैं और पब्लिक को जागरूक कर रहे हैं स्वास्थ्य के प्रति, शिक्षा के भी प्रति। जहाँ तक आपके स्कूल का विधि व्यवस्था है, हमने देखा है वहाँ पे आपका स्कूल हाईवे के किनारे है, बच्चों के खेलने के लिए गार्डन भी है, यहाँ पे बस भी है और बच्चों का विकास भी वहाँ पे होगा, आपका स्मार्ट क्लासेस भी चलता है। तो जान रखा है कि आपकी व्यवस्था से हम लोग सेटिस्फाइड हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि कोई भी चीज़ हो, एक साथ मान लीजिए मिलकर हम लोग करते हैं, स्वास्थ्य का व्यवस्था अच्छा होना चाहिए, आपका शिक्षा का भी स्तर बहुत बढ़िया है, दोनों को साथ लेकर चला जाए, एक बेहतर समाज का निर्माण होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे स्कूल बीके इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल के बारे में बताया और आप अपने चिकित्सा के बारे में बताया। आइए हम आगे बात करते हैं डॉक्टर रिजवान खान जी से। सर आप कुछ शिक्षा और चिकित्सा दोनों के बारे में बताइए। सबसे पहले हम सबको अपना सबको नमस्ते कहना चाहेंगे। हम लोग यहाँ पे आए हैं चिकित्सा के माध्यम से, यहाँ के लोगों को चिकित्सा के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में जोड़ने के लिए, उनको बताने के लिए। आजकल हम लोग जनरली कहीं भी देखते हैं तो स्वास्थ्य के माध्यम से शिक्षा को जोड़ा जाता है। शिक्षा के द्वारा ही स्वास्थ्य को सही रूप से निखारा जा सकता है। तो हम लोग आए हुए हैं यहाँ पे जनरली स्किन के डिजीज को लेकर, कि स्किन के डिजीज देखा जाए। और यहाँ पे जो कैंप लगा है, ये कैंप जनरली स्कूल और डॉक्टर्स के द्वारा चिकित्सा पद्धति को बढ़ाने के लिए हम कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा कम्बिनेशन है स्वास्थ्य और शिक्षा का। तो स्वास्थ्य को अगर हम शिक्षा से जोड़ते हैं तो शिक्षा समाज स्वस्थ रहे, इसके लिए हम लोगों को शिक्षा बहुत जरूरी है। और शिक्षा अच्छे स्कूल में मिले और अच्छे स्कूल हमारे द्वारा और हमारे स्कूल के जो व्यवस्थापक हैं उनके द्वारा खोला गया है, तो बीके इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल है वो बरियारपुर में बाईपास चौक पे हैं, वहाँ से भी प्रिंसिपल आए हुए हैं और वहाँ से कुछ स्टाफ बन लोग भी आए हुए हैं। और यहाँ पे बहुत अच्छे तरह से इस गांव में स्वास्थ्य और शिक्षा को जोड़कर काम किया जा रहा है। जनरली जो स्वास्थ्य के तरफ स्किन के लिए लोग यहाँ आ रहे हैं, दिखा रहे हैं और उसका लाभ उठा रहे हैं। जी थैंक यू सर, आपने हमारे इस चैनल को बहुत बहुत अपना कीमती टाइम दिया। आइए बात करते हैं हम बीके इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल सर श्री राकेश द्विवेदी जी से। द्विवेदी जी आप अपने स्कूल के बारे में कुछ बताएंगे सर। सबसे पहले नमस्कार सभी और सभी टीम को मैं बधाई देना चाहूँगा कि लोगों के अथक प्रयास से हमारा ये मिशन सफल हो रहा है। हमारा स्कूल बीके इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल है जो इनएसटी के माँ भैया बिहारी में। हमारा स्कूल बिल्कुल हाईटेक जमाने में जो भी हाईटेक चीज़ें चाहिए बच्चों को, स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, बच्चों के कंप्लीट डेवलपमेंट के लिए प्ले ग्राउंड, खेलने के लिए तमाम आधुनिक तकनीकी सारी चीज़ों से लैस है हमारा स्कूल। थैंक यू सर, आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग हमारे चैनल पर आए और अपना बहुमूल्य कीमत। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब कीजिए यूथ ग्लोबल नेटवर्क को और हमारा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए।